अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल हक की गवाही में। नाज़रीन, मौलाना अख्तर शाह कैसर के जनाजे की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि उनके जनाजे में जिन्नातों ने शिरकत की। बाज लोगों की राय ये है कि वाकई जिन्नात थे और बाज लोगों की राय ये है कि जिन्नात नहीं थे। जिन लोगों की राय यह है कि वाकई जिन्नात थे जो जनाजे में शरीक हुए, उसकी तीन वजूहात वो बयान कर रहे हैं। सबसे पहली वजह, जिन्नातों का किसी के जनाजे में शिरकत करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि बहुत से उलमा व सुल्हा के जनाजे में इससे कबल भी जिन्नात शरीक हुए हैं। दूसरी वजह, फोटो में जो हाथ नजर आ रहे हैं, एक ब्लू कपड़े वाले शख्स का हाथ, दूसरा सफेद कपड़े वाले शख्स का हाथ, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के हाथ हैं। तीसरी वजह, अगर जिन्नात इंसानी शक्ल में आए तो उसे वीडियो या फोटो में कैद किया जा सकता है। इसी तरह बाज लोग ये कह रहे हैं कि जिन्नात नहीं बल्कि इंसान थे और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा थे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि अगर जिन्नात होते तो वो इतनी मशक्क़त नहीं करते जनाजे को हाथ लगाने के लिए, बल्कि वह बआसानी जनाजे को कंधा दे सकते थे। माहिर फलकियात हजरत मौलाना समीरुद्दीन साहब कासमी की भी यही राय है, और मजीद उनका कहना ये भी है कि इन बातों को इस कदर रसूख के साथ लोगों के दरमियान में बयान न किया जाए कि इसकी वजह से बिदात को फरोग मिले, आगे चलकर ये बात कब्र परस्ती तक पहुंच जाए और गलत नजरिए और अकायद रखने वाले लोगों को शे मिले, इसलिए इन चीज़ों से बचा जाए। इस सिलसिले में आप तमाम हजरात भी अपनी राय का इजहार जरूर फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन।